Click on the subscribe button and press the bell icon for watching more update videos. Thank you. Assalamu alaikum viewers. My name is Engineer Bilal Faiz, and today we are going to discuss about the China sunshade tiles, roof tiles and rocket. इसको आम लैटिनी जुबान में हम रॉकेट कहते हैं। अच्छा, ये जो सनशेड आपको नजर आ रहा है ये दरअसल चाइना सनशेड है। तो आज हम इसके टाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी इसके ऊपर लगने वाले टाइल्स वगैरह जो होता है इसके बारे में हम आज बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। इस सनशेड में दो तरह का स्लेब होता है, ठीक है। पहला वाला जो स्लेब होता है वो दौरान स्लेब, यानी जब हम लंटर स्लेब जब हम डालते हैं तो इस दौरान बनाया जाता है। और इसमें आप लोगों को ये नीचे जो डिजाइन देख रहे हैं ये डिजाइन दरअसल फॉर्म वर्क के बाद, जब स्लेब को फॉर्म वर्क किया जाता है तो इसके बाद खाका और ईंटों में तैयार किया जाता है, फिर इसके ऊपर सरिया स्टील वगैरह बिछाया जाता है और इसके बाद इस पर कंक्रीट कर दिया जाता है। बहरहाल इसमें हम तफसील से वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे, इंशाल्लाह फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब हमारा ये वीडियो इसके ऊपर लगने वाले टाइल्स के बारे में है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें आपको ये पलस्तर करदा लाइन नजर आता है, ये दरअसल टाइल को मजबूती फराहम करने के लिए तैयार किया जाता है, ताकि टाइल लगने के बाद या टाइल लगने के वक्त इसको नीचे से सहारा मिल सके। अच्छा, ये जो ऊपर वाला कंक्रीट आपको नजर आ रहा है ये तकरीबन 3 इंच मोटा कंक्रीट होता है। इसमें भी सरिया स्टील बिछाया जाता है, इसके नीचे भी फॉर्म वर्क किया जाता है। इसको ज्यादा मोटा ना रखे क्योंकि इसके ऊपर कोई वजन नहीं आता, ये तो बस सिर्फ सनशेड टाइल्स को नीचे से सपोर्ट यानी सहारा मिलने के लिए होता है। चलो इसको अंदर से भी देखते हैं। अच्छा, ये अंदर से कोकला होता है यानी खाली, इसको सामान स्टोर गोदाम वगैरह का काम भी लिया जाता है। इसको सपोर्ट देने के लिए नीचे वाले हिस्से और ऊपर वाले हिस्से दोनों को बीम दिया जाता है ताकि मजबूती फराहम हो सके। अच्छा, ये वो टाइल्स हैं जो कि हम अब इसके ऊपर लगाएंगे इंशाल्लाह। ये दरअसल कंक्रीट का बना होता है, इसमें मट्टी का भी बनाया जाता है लेकिन वो ज्यादा महंगा भी है और इसमें इसी तरह अच्छी डिजाइन भी नहीं मिलता। इसका हाइट 9 इंच और इसका लेंथ विड्थ जो है ये तकरीबन 6 इंच है। ये पीछे की तरफ से रफ होता है ताकि लगाने के वक्त सीमेंट पेस्ट के साथ मजबूती फराहम करे। अच्छा, ये वाले ये रॉकेट, इसको कॉर्नर पर लगाया जाता है, इसको पाइप नोमा टाइल्स भी कहा जाता है। ये मट्टी का बनाया जाता है और इस पर इसको फिर भट्टी में पकाया जाता है। अच्छा, तो चलते हैं सनशेड की तरफ। सबसे पहले यहां कंक्रीट को साफ कर दिया जाता है। अच्छा, एक और बात, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इस पर स्लेब छत डालने के बाद यानी कंक्रीट करने के फौरन बाद तकरीबन 1 घंटा 2 घंटा बाद इसके ऊपर रफ पलिस्तर किया जाता है। वो पलिस्तर इसलिए किया जाता है ताकि सनशेड को नीचे से रफ सपोर्ट मिल सके, ठीक है। और अब इसके ऊपर चुनाई और पलिस्तर का काम भी हुआ है तो इसी वजह से ये बहुत गंदा है, इसको सबसे पहले साफ किया जाता है। अच्छा, टाइल लगाने से पहले ये मुकम्मल तौर पर तर होना चाहिए, इसके ऊपर कोई रेत वगैरह नहीं आनी चाहिए, ठीक है, विदाउट सीमेंट का। इसको गज में देखा जाता है, ठीक है, ताकि टाइल्स का रुख किस तरफ मोड़ दिया जाए ताकि इसमें ज्यादा